गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आई यू माई नेम इज़ कामिनी एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर टूडे वी विल स्टडी ऑफ साउंड ऑफ़ बॉबल ई जिसे हिंदी में बोलते हैं ए क्या बोलते हैं ए कम अगेन ई ए हियर यू कैन सी देर आर मैनी वर्ड्स ऑफ ई साउंड्स बट बिफोर दिस इससे पहले हम कुछ और पढ़ेंगे फोनिक साउंड ऑफ अल्फाबट हेयर यू कैन सी दैट ए ए बी क डी ड E, F, fur, G, girl, H, her, I, e, J, Joe, K, ker, L, love, M, ma, N, na, O, o, P, pa, Q. कम अगेन क्व दोबारा बोलिए क्व आर ट यू अ वी व बोलिए डब्लू व एक्स अक्स एक्स बोलिए अ नहीं आएगा अ साइलेंट है एक्स जैसे एक्स रे एक्स एक्स आधा क और स का साउंड एक्स वाई य जेड ज सो दीज आर द अल्फाबैट विद देअ फोनिक साउंड ऐसे ही हमें इनको मिला मिला के वर्ड्स को पढ़ना है सो लेट स्टार्ट एज यू नो दैट जैसे आपको मैंने अभी बताया है बी ब ई ए डी ड बी ई डी बैड बी ई डी बैड एफ ई डी एफ फ ई ए डी डेड आर आर को क्या बोलते हैं हिंदी में

एलई डी एल स्टैंड फॉर ल एल को क्या बोलते हैं हिंदी में ल ई ए डी डलई डी लैट नाउ ई एन एन ई ए एन न ई एन 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 वर्ड्स पी पी ई एन पी स्टैंड फॉर प ई ए एन न पीई एन पेन एच ई एन एच स्टैंड फॉर ह ए नीई एन टेन टी स्टैंड फॉर ट क्या बोलते हैं टी को हिंदी में प्या बोलते हैं ट वेरी गुड टीई एन टैन डी ई एन ड स्टैंड फॉर ड के लिए क्या बो ड के लिए क्या यूज़ करते हैं हम बी सी डी यस डी डी ई एन डेन एम ई एन म एम स्टैंड फॉर म या न प नो एम म ई ए एन न एम ई एन मैन जब एम ए एन होता है मैन तो वो एक आदमी सिंगुलर पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं एम ई -E एन लेकिन जो एम ई एन है वो हम यूज़ करते हैं ज्यादा पर्सन के लिए एम ए एन मैन एम ए एन मैन एम ई एन मैन हेयर यू कैन एग्जाम्पल यू हैव एग्जाम्पल एम ए एन मैन ज्यादा हैं तो एम ई एन मैन नाउ नेक्स्ट इज ई टी एट ई टी एट वर्ड्स जेईटी जेट एन ई टी नेट एंड स्टैंड फॉर म नो ल

जी ई टी यू टेलमी जी के लिए क्या बोलते हैं जे क्या है ये जी ई टी जी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं हिंदी में ग मैंने बताया था गी ई टी गैट ग एट गैट पी ई टी We stand for per e teter pet. V, e, t, wet. V, e, t, wet. We stand for ver e teter wet. Here you have sentences G e l gel. G e l gel. O n on. Uper.

सो so, वन के लिए हम ए भी यूज़ करते हैं ए पी ई एन पेन एक पेन आई एन इन में ए डब्लू ई बी वेब बोलिए डब्लू ई बी वेब ए पेन इन अ वेब एक पेन जो है वो वेब के अंदर है कहाँ पर है वेब में जाले में वेब क्या होता है जाला इसको कौन बनाता है मकड़ी और मकड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं ओके मम्मी से पूछ के बताना मुझे अभी टमोरो आई विल आस्क आप मुझे ये पूछ के बताएंगे कि मकड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं एक कार्टून भी आता है यस yes, उसके नाम से कार्टून भी आता है वो ब्लू और रेड कलर की ड्रेस पहनता है अब मैंने बहुत सारे हिंट दिए हैं आपको सो यू विल गेस एंड टेल मी नाउ द टर्न फॉर द एक्सरसाइज वी हैव एक्सरसाइज बेस्ड ऑन ई साउंड वर्ड्स इसी के बेस पर हमारी एक एक्सरसाइज भी है सो लेट्स स्टार्ट दिस इज द एक्सरसाइज यू हैव ऑन द पेज नंबर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री पेज नंबर पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज है सो लेट स्टार्ट यूज़ अ वर्ड विद द वॉबल ई टू कंप्लीट द सेंटेंसेस लुक एट द पिक्चर एज अ हिंट पिक्चर होता है तस्वीर पिक्चर्स तस्वीरों में देखिए इन तस्वीरों में आपको देखना है सो नंबर वन नंबर वन पे कोई हिंट दिया हुआ है हम वो लिखेंगे एंड देर इज़ अ मिस्टेक इन द एक्सरसाइज ऑल्सो इसमें एक मिस्टेक भी है वो आपको जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आपको पता चल जाएगा सो लेट स्टार्ट द मैन एच हैज ए एक आदमी के पास में क्या है एक हाथ में क्या लिया हुआ है नंबर वन नंबर वन तो ये रहा मैन हमारा और इसने अपने हाथ में क्या लिया है ग्लास क्या लिया हुआ है पेन और पेन की स्पेलिंग क्या होती है पी ई एन पेन सो यू विल राइट हियर पेन नेक्स्ट इज द मैन ए आर आर लुकिंग एल डब्लू के आई एन जी लुकिंग एट द डैश सेकेंड नंबर पे देखना है हमें देखिए मैंने आपको बोला था ना एम ए एन मैन और एम ई एन मैन जब ज्यादा ज्यादा आदमी होते हैं तो उसे बोलते हैं मैन तो ये किसको देख रहे हैं हैन एंड स्पेलिंग इज हैन की स्पेलिंग क्या होती है एच ई एन हैन एच ई एन हैन लर्न करिए एच ई एन हैन इन थर्ड नंबर थ्री नंबर थ्री द पी ई टी पैट आई एस इज आई एन इन टी दा दैट इज इन द जो ये डॉग का बच्चा है पैट है डॉग है ये किस में बैठा हुआ है इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है किस चीज ने इसको घेरा हुआ है चारों तरफ से वेरी गुड यो आंसर इज राइट नेट एंड स्पेलिंग इज एन ई टी ने नाउ फोर नंबर एंड फोर नंबर

और नंबर फाइव ये है सो वी कैन चेंज इट राइट हीयर फोर एंड राइट हीयर फाइव ओके सो लेट स्टार्ट द शेड शेड में कौन बैठा हुआ है यू टेल मी शेड में कौन बैठा हुआ है लॉयन

और जो मैंने आपको एक और वीडियो भेजी है साथ में एक्सप्लेनेशन ऑफ ई यू विल लर्न द वर्ड्स फ्रॉम द वीडियो ऑल्सो हैव अ नाइस डे बाय टेक केयर